आज चर्चा करेंगे क्या झूठा है ट्रंप पर। इमरान से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया, एक ऐसी बात कह दी जिसने भारत में कहीं ना कहीं भूचाल मचा दिया। और राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति गहमा गहमी जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सदन में आज हु हल्ला कटा रहा, वो आप चाहे लोकसभा ले लीजिए चाहे राज्यसभा ले लीजिए, इतनी गहमा गहमी रही कि साफ तौर पर जो विपक्ष था वो प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांग रहा था। साफ तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने कहा कि मध्यस्थता की एक बात है जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप से करी, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही बात को कवर करते हुए कहा कि मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा और अगर इस विषय पर मैं कुछ कर सकता हूं तो मुझे काफी खुशी होगी। जिसके बाद कहीं ना कहीं लोग काफी आक्रोशित हैं क्योंकि लोग हमेशा से चाहते थे कि दो पक्षीय मामला है, दो देशों के बीच का मामला है, तो ये वही सुलझाए, कोई तीसरा पक्ष इसमें आके बीच में बातचीत ना करे। साफ तौर पर कहीं ना बड़े सवाल खड़े होते हैं। कश्मीर की मध्यस्थता पर देश में उबाल देखने को मिला, देश नाराज है कि आखिरकार इस प्रकार का इतने बड़े पद पर बैठा एक व्यक्ति, इतने बड़े देश का सबसे आधुनिक सबसे आगे बढ़ने वाला देश, उसका राष्ट्रपति इस प्रकार का बयान दे देता है जिसका कोई आधार नहीं होता। उसके बाद जो भारत की मीडिया है, भारत के जो विभाग हैं, वो इसके आगे आके बोलते हैं कि भाई हमारी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, उनके विभाग की तरफ से साफ तौर पर कह दिया जाता है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जाता है कि ये दो देशों के बीच का मामला है, वो उसको अपने तरीके से निपटाएंगे, द्विपक्षीय मामला है, इस पर कोई भी देश कुछ नहीं कर सकता। तो सोचने वाली बात है कि आखिरकार सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला या फिर उनसे कुछ प्रधानमंत्री मोदी कहना चाहते थे और वो कुछ समझ गए, वो अलग बात है कि यहां क्या समझा और क्या कहा गया। लेकिन इसके बाद से अगर आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने लगातार सीधा सवाल दागते हुए, जब तक सरकार की तरफ से भी कोई बात नहीं कही गई थी ट्विटर पर, साफ तौर पर विपक्ष ने बोल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान पक्का दिया होगा और डोनाल्ड ट्रंप झूठे नहीं है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत को अपने प्रधानमंत्री से ज्यादा दूसरे देश के राष्ट्रपति पर विश्वास है, ये भी बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि लगातार अगर बात करी जाए तो कश्मीर वो मुद्दा है जो काफी गर्म मुद्दा रहता है हमेशा, लोग बड़े आहत होते हैं। आपने साफ तौर पर इमरान खान को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर ये मामला सेटल होता है, ये मामला सुलझ जाता है तो करोड़ों लोगों की दुआएं आपको लगेगी। ये बात उन्होंने खुद कही थी जब उनकी मुलाकात हुई थी। तो सोचने वाली बात है, वो करोड़ों लोग जिस मुद्दे को अपने दिलों में बसाते हैं, वो कश्मीर जो सबसे खूबसूरत है उसे डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि वहाँ केवल बम बारूद ही देखने को मिलता है, और सुनने को मिला है कि वो बहुत खूबसूरत जगह है। तो सोचने वाली बात है, उस कश्मीर को लेकर एक राष्ट्रपति इस प्रकार का बयान दे देता है और वो ये बात कहते हैं कि मैं सुलझाऊंगा, जबकि वो बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे नहीं कही गई होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े देश का राष्ट्रपति क्या मीडिया के सामने झूठ बोल रहा था। तो कश्मीर के मध्यस्थता पर देश में उबाल देखने को मिला, विपक्ष ने साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, साफ तौर पर जवाब मांगा है। भीतरी मसले पर अमेरिकी खामा खा घुसे हैं, ट्रंप बस यूं ही बोल देते हैं क्योंकि कई बार हमने देखा है। तो आपको बयान भी सुनवा दे रहे I was surprised at how long it's been going on. Along 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be. I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart with very smart leadership can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. Trump को पता नहीं खुद कि क्या वो बोल रहा है, और मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय विषय जो है, मेरे ख्याल में वो ठीक तरह समझा नहीं, किसी ने उसको ब्रीफिंग नहीं दिया। ये नामुमकिन है कि मोदी ऐसे पूछ सकता है किसी और को, क्योंकि हमारे देश की पॉलिसी बहुत क्लियरली साबित हुआ बहुत साल पहले कि हमें कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान से बात करनी है तो हम डायरेक्टली कर देंगे, क्योंकि हमारे आपस में क्या कठिन है, भाषा भी एक ही है, बोल सकते हैं। तो ये नहीं चाहते हम कि कोई और आके उनके पॉलिसीज लेके आए, हम तो बीच में आपस में सीधे बोलेंगे। तो इसलिए मैंने कल ही ट्वीट किया था जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट उतारा कि ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत ही होगा, लेकिन MEA को क्लैरिफिकेशन निकलना चाहिए। और MEA का सवाल तो किसी भी समय प्रश्न ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि स्पष्ट है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, अभिन्न अंग है, हमेशा रहेगा,
और उसके बारे में अगर सीमावर्ती देश पाकिस्तान से कुछ विवाद है तो आपसे मिल बैठ के करेंगे, और बैठक तभी होगी जब सामान्य परिस्थितियां होंगी। आतंकवाद का जो सहारा दे रहे हैं पाकिस्तान, उसको बंद करेंगे। अजीब लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ने इस तरह का क्लेम किया है कि मुझसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये विनती की है कि मैं इसमें हस्तक्षेप करूं और पाकिस्तान और भारत के मामले को हल करूं, जबकि हमारी तरफ से बताया जा रहा है कि ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई। अगर ये सच है जैसा हम बता रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम यूएस काउंसुलेट में एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करें और हम एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट इशू करें एमईए के जरिए, पीएमओ के जरिए, कि ये बयान सही नहीं है। हकीकत में हमने यूएस को कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया कि वो भारत पाकिस्तान के जगह के बीच में हस्ताक्षेप करें। हमने बरसों से इस मामले को एक बायलैटरल मामला कहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री कोई ऐसी बात करेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी आज से नहीं पिछले 70 साल से ये है कि भाई तीसरी पार्टी का दखल नहीं होगा इसमें। ये दोतरफा मामला है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, और इसमें किसी की और मीडिएशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप हैज क्लेम्ड दैट इन द प्रेजेंस ऑफ द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी एट द G20 समिट इन ओसाका रिक्वेस्टेड हिम टू मीडिएट ऑन कश्मीर। देयरफॉर the parliament being in session, तो चलिए इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही वो कितनी सच थी, कितनी झूठ थी। इस बात को साफ तौर पर ये साफ भी हो चुका कि कहीं ना कहीं झूठी थी। मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है, उनसे आपको रूबरू करवा देती हूँ। अजय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, दीपक काचरू प्रवक्ता हैं पुनून कश्मीर से, डॉक्टर रितेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, रवि भट्ट जी इतिहासकार है हमारे साथ, साधना जग्गी जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं जाऊंगी अजय कुमार जी के पास। अजय कुमार जी, क्या कहा जाए? ट्रंप लगातार ऐसे बयान देते चले आए हैं जिसके बाद उन्हें बैकफुट पर आना पड़ता है या सोचना पड़ता है कि मैंने क्या कह दिया। इतने बड़े देश का राष्ट्रपति बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता है। देखिए, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दादागिरी दिखाने के लिए जी, और मुझे लगता है कि ये उनका बयान जिस तरह का है वो अपने को यह साबित करने के लिए कि इस पूरे दुनिया में वही एक बहुत बड़े दादा जी। तो जहाँ तक बात है, हमारे प्रधानमंत्री कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये मसला हमेशा से जब से भी चल रहा है तब से ये तय है कि जो भी वार्ता होगी या जो भी समझौता होगा दो पक्षीय होगा जी। पाकिस्तान और भारत के मध्य ही जो बातचीत होगी, और भारत ने तो सीधे कह दिया कि भाई हम तैयार हैं, आप आतंकवादी गतिविधियां कब खत्म करिए, हम तैयार बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं से अमरीकी राष्ट्रपति अपनी दादा जैसे होता है ना कि दो बल्लियों के झगड़े में और बंदर जो है फायदा उठाता, ये फायदा उठाने के चक्कर में इस तरह। और मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री इस तरह की बात करें। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी कहा उसकी कड़ी निंदा पूरे मुल्क को ही नहीं बल्कि विश्व के राजनीतिज्ञों को और विश्लेषकों को, पत्रकारों को करनी चाहिए। कम से कम उन्हें नसीहत बत देनी चाहिए कि आप और भारत से हमारे कितने अच्छे उनके संबंध रहे शुरुआती दौर से, जब से 2017 से वो जीते हैं तब से वो भारत के प्रति अच्छा रुख अपनाते रहे। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति वहाँ मिलने गए, उन्होंने क्या कहा, क्या बात है, वो एक अलग की बात है। लेकिन ये बड़ा बेतुका, बड़ा गैर जिम्मेदाराना, बहुत ही निंदनीय बयान है उनका कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई बात उनसे कही हो कि साहब आप समझौता वार्ता करा दीजिए। कभी ये प्रश्न भी नहीं उठता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास खुद मौका है। जिस प्रकार से आपने विपक्ष को सुना, साफ तौर पर कहा कि हमारी एक बोली एक भाषा है, हम आपस में बैठ के मामला सुलझा सकते हैं, बस एक शर्त है कि वो आतंकवाद पर कार्रवाई करें। रितेश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे इसे आप, जिस प्रकार से अजय जी ने कहा अपने आप को एक बड़ा दिखाने के लिए, अपने एक अहमियत को अलग एहसास करवाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। देखिए, बड़ा वो होता है जो बड़ा करे जी। इस बयान के कई कोण हैं जी, है ना, इसके कोण कई हैं, दृष्टिकोण कई हैं जी। कहावत कही गई है कि वो क्या संभालेगा हमको सनम जिसका खुद का दुपट्टा संभलता नहीं जी। कहा गया है कि देखिए किम जोन और इनके बीच जब ये वार्ता हुई जी, जो किम जोन जैसे
गैर राजनीतिक आदमी से तानाशाह से वार्ता कर सकता है, वो किसी से वार्ता करने योग्य नहीं है। हमारी मिलिट्री क्या करेगा, हमारी मध्यस्थता क्या करेगा? और इसका कोण ये है कि देखिए, अभी कश्मीर मुद्दे को उठाया जाए, ये पहले झूठ नहीं बोला है इन्होंने। इससे पहले ही जब अभी एयर स्ट्राइक हुई थी, हमारे वीर जवानों जो एयर स्ट्राइक की थी, हमारे वीर अभिनंदन ने जो मिग से इनका F-16 मार गिराया था, तब भी इन्होंने यही कहा था कि हमारा पाकिस्तान के साथ मिलकर के बयान दिया था कि हमारा जो है मिग नहीं मारा गया है और नहीं गिराया गया है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को यह कहकर के मिग बेचा था कि यह बिल्कुल अभेद्य है, इसको कोई भी मार नहीं गिरा, इसको गिराया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी भारत के मिग ने, छोटे से विमान ने, छोटे से लड़ाकू विमान ने हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मार के गिरा दिया था। और तो रविवर जी, ये माना जाए कि मार्केटिंग बेस पर बयान निकल के सामने आते हैं राजनेताओं के। देखिए, इसमें मैं आपको दो बातें बताऊं, एक दो बातें बताना चाहूंगा। पहले भी किसी इंसान ने जब उसने सच बोला है झूठ बोला, मोदी उनके बीच में क्या बात हुई है, ये तो सबका अनुमान का विषय है। लेकिन जो इस अनुमान के पहले भी आदमी के करेक्टर को आपको देखना होगा कि ये आदमी झूठ बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले नंबर वन कि ट्रम्प जो है ये कोई आइडियोलॉजिस्ट नहीं है, जैसे अब्राहम लिंकन हुआ करते थे। ही इज अ सिंपली अ बिजनेसमैन, हार्डकोर बिजनेसमैन ये रहा है, रियल एस्टेट का बिजनेसमैन है ये। मिस यूनिवर्स और मिस यूएसए का इवेंट जो थी वो ये मैनेज क्या करता था, रियलिटी शो जो था अप्रेंटिस, उसको इन्होंने दो तीन साल प्रोड्यूसर प्रेजेंट किया इन्होंने। तो ये शख्स बिल्कुल दुनियादारी आदमी है, बिजनेसमैन, बिजनेस से पॉलिटिक्स एकदम सीधे स्विच ओवर कर गया है। वहाँ पर आने के बाद में ये जो फैक्ट्स इन्होंने खुद यूज़ करे अपने कैंपेन के अंदर, जो यूज़ करे इलेक्शन के, उसके अंदर भी फैक्ट्स चेकिंग एजेंसी जो वहाँ की अमेरिका की, उन्होंने कहा कि ये मिसलीडिंग और फॉल्स फैक्ट्स इन्होंने दिए हैं। तो जब आप उस फैक्ट को देखें, उनके आदमी खुद ही कह रहे हैं मिसलीडिंग और फॉल्स को कैंपेनिंग करके फैक्ट्स करके ये वहां पर आए, तो आप उम्मीद करिए क्या कहें, ये मतलब इन्होंने कितनी बातें होगी। ये शख्स 3.1 बिलियन पैसे कमा के बैठा हुआ है, जिसके फॉर्ब्स के अंदर आया हुआ है, और इनने खुद एक किताब लिखी है द आर्ट ऑफ डील। तो जो आर्ट ऑफ डील है, जो कह रहा है कि डीलिंग करना होता है, आर्ट होता है, तो आर्ट थोड़ी जो सच बोलना हो तो कौन से बोलता है। स्टेट्समैन जो होते हैं कभी भी कोई आर्ट नहीं होता उनके डील में, वो सच बोलते हैं फटाफट। और इनकी जो है पूरी पूरी बुक इन्होंने ऑथर करी द आर्ट ऑफ डील। तो प्रॉब्लम मेरे लगता है ट्रंप साहब जो है ना, वो आर्ट ऑफ डील में करके खुद ही फंस गए, क्योंकि ऐसा उम्मीद मोदी, आप हमको बताइए मोदी क्यों कहेंगे, मोदी क्या इंटरेस्ट हमको बताइए। दीपक आचार्य जी, अज्यूम करिए आप क्या हो सकता है। दीपक आचार्य जी क्या कहेंगे, कितने आहत लोग हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद, क्योंकि कश्मीर की जो जनता है वो उस चीज को झेल रही है, उन्हें पता है कि अमन शांति के नाम पर उन्हें क्या मिल रहा है। उसके बाद ये कह देना कि मध्यस्थता का मामला है, हम बीच में दखल अंदाजी करेंगे, जबकि हम पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि जो आतंकवाद है उस पर अगर पाकिस्तान कार्रवाई कर लेता है तो मध्यस्थता के लिए तैयार हो जाएंगे, हम बात कर लेंगे आपस में, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, विपक्ष ने जिस तरह से घेरा आज मोदी जी को, बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मेरे ख्याल से सारे हिंदुस्तानी इस बात के लिए बहुत क्लियर हैं कि ऐसा कुछ भी मोदी जी ने नहीं कहा होगा जी। कई बार हो सकता है ऐसा कुछ ट्रंप साहब को लगा हो कि उनकी बातों में कुछ कश्मीर का जिक्र हुआ हो जी। और उसी को उन्होंने कुछ ज़्यादा बड़े लेवल पे बोल गए वो किसी भी बहाव में या इमोशनल उसमें। जो रिपोर्ट एमईए की आई, इसमें साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी ने मध्यस्थता को लेकर कभी भी कुछ नहीं कहा है। हाँ, नहीं कहा होगा, बिल्कुल नहीं कहा होगा, लेकिन दो प्रधानमंत्री जब बैठ के बातें करते हैं तो कई बातें हो सकती हुई होंगी कश्मीर को लेकर के, लेकिन इससे ये मानना कि ऐसी कोई बात उन्होंने कही होगी ये बिल्कुल गलत है। और इसको लेकर विपक्ष को भी एक होना चाहिए, और हालांकि हमने देखा थरूर साहब ने तो कहा, लेकिन कुछ लोग फिर भी विपक्ष में काफी हंगामा काटा है आज। तो इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए और हमको एक होना चाहिए पाकिस्तान के मुद्दे पे। कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अलग नहीं हो सकती, सबको एक साथ खड़ा होना है। लेकिन साधना जी, आज सदन में आपने तस्वीर देखी, जिस प्रकार से विपक्ष आक्रोशित था, नाराज था बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल ये बात डोनाल्ड ट्रंप से कही है, और उसके बाद अगर उन्होंने बयान दिया तो उसके लिए जिम्मेदार है, उन्होंने पूरी देश की जनता को आहत किया। इस प्रकार का व्यवहार था विपक्ष का आज सदन में। साफ तौर पर कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए और सवाल का जवाब दें कि उन्होंने ये बात कही है या नहीं कही, और नहीं कही तो कार्रवाई की जाए।
बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है विपक्ष में जो हुआ है जी। अपने अपने पीएम पे आप लोग शक कर रहे हैं बिल्कुल। कहाँ पे हमारे पीएम की इमेज और कहाँ ट्रम्प की इमेज। अभी आप देखिए ट्रम्प की इंटरनेशनल वो अलग बात है कि बाय हुक और क्रुक वो आज उस चेयर पे है, परंतु उनका बैकग्राउंड देखिए उसकी हिस्ट्री। अगर प्रमुखता की बात करें तो 11वें नंबर पे डोनाल्ड ट्रम्प थे और तीसरे नंबर पे हमारे प्रधानमंत्री थे। एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो ऐसा करेंगे। ये तो विपक्ष फालतू का मुद्दा उठा रही है। उसमें कुछ मैच्योर नेता नटवर सिंह नटवर जी जो हमारे विदेश मंत्री रहे हैं कितने साल तक, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला है कि बिल्कुल नहीं कहा हमारे पीएम ने, और ना वो कह सकते हैं। शशि थरूर जी ने भी यही बोला। अब एक आध बोल उनके पास जब कोई मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास उछालने के लिए, तो उनको लगा यही बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। तो कहीं से भी मैं इस मामले में सहमत नहीं हूँ विपक्ष के साथ, और बहुत भर्त्सना करती हूँ मैं, निंदनीय ये बहुत बयान दिया जिसने भी दिया। यहाँ पर इंडिया को एक साथ खड़े होना चाहिए और एकजुट हमें अपनी यहाँ एकता दिखानी चाहिए। और हमारे पीएम जो पूरा का पूरा समय अपना कश्मीर को दे रहे हैं और कश्मीर मसले को सुलझाना चाहते हैं, हमें जो हमारी पॉलिसीज हैं बहुत क्लियर है। हमें कहीं भी किसी की मध्यस्थता नहीं चाहिए। जब तक आतंकवाद नहीं खत्म होता हम लोग स्टैंड लेंगे। लाखों बलिदान हो गए, लाखों सेना के परिवार तबाह हो गए, और जो कश्मीरी नागरिक है जो अमन चैन चाहते हैं उनकी आप हालत देखिए, उनके दिल पर क्या बीती होगी ये बयान सुन के। सब गलत है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। रितेश जी, पूरा देश इस बयान की निंदा कर रहा है, लेकिन जो विपक्ष है इस पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। देखिए काव्या जी, विपक्ष को इस समय एक होना चाहिए। ये देश का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है। देश के सम्मान की बात आ चुकी थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि विपक्ष राजनीति के लिए उन्हें एक मुद्दा मिल गया और उसको लेकर हल्ला हुआ हल्ला कर रहे हैं। हर जगह मुद्दा को तलाशना नहीं चाहिए बिल्कुल। और काव्या जी, पहले ही बयान में अपना और भी कुछ जोड़ना चाहूंगा कि भूखमरी के क्षेत्र में ये भूख का सिरप बेचना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो इनसे इमरान खान से जो इनकी बात हुई है उसमें कश्मीर मुद्दे को लेकर के इनको हथियार की डीलिंग करनी है। भारत में 6 इंच का चाकू भी बिना लाइसेंस के आदमी नहीं रख सकता। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश में आतंकवादी भी वहां के हर एक नागरिक AK-47 लेके घूम रहे, अत्याधुनिक हथियार लेकर के घूम रहे। जो दाने दाने को मोहताज है वो हथियार खरीदेगा कैसे? अमेरिका बेचेगा, अमेरिका को एक कंज्यूमर मिला है। देखिए पहले तो उन्होंने वहां पे अपमान किया, प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने कोई भी इनको इमरान खान को पूरी तरीके से वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए। उसके बाद में दूसरे ही दिन उसका बिजनेस सेंस जाग गया, जैसे आप लोगों ने अभी कहा, अभी सारे विश्लेषकों ने मिलकर के कहा कि ये राजनीतिक नहीं अराजनीतिक हैं, लेकिन बिजनेस माइंडेड तो ही है, बिजनेस तो इसके दिमाग में तो ही है। इसके अंदर बिजनेस जागा और ये हथियार की डीलिंग के लिए और भारत को एक एक राजनीतिक प्रेशर में लेने के लिए जो वो चाहता था हमारा विपक्ष साथ में करने लगा। विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भारत से भी हथियार की डीलिंग करेगा, पाकिस्तान से भी हथियार की डीलिंग करेगा, अपना मुद्दा अपना बिजनेस साधने के लिए अमेरिका इस तरीके के बयान देने लगा। अजय जी क्या कहेंगे, केवल अपनी मार्केटिंग के लिए आप एक ऐसा मुद्दा छेड़ते हैं, आप ऐसे मुद्दे पे बात रखते हैं जो करोड़ों जनता के दिलों में बसता है। हमारे लिए हमारा कश्मीर एक गौरव है, हम उसे स्वर्ग के बराबर की तुलना करते हैं, जहां हम सोचते हैं कि जीवन में कभी हम पहुंच जाएं, एक बार कश्मीर को देख ले कि कितना खूबसूरत वो जगह है। उस कश्मीर को लेकर, वहां के रहने वाले लोगों को लेकर, उस देश की जनता जिसके दिलों में कश्मीर बसता है, वहां पर आहत एक भावनात्मक चोट पहुंचाने की कोशिश करी है डोनाल्ड ट्रंप ने। निश्चित रूप से केवल कश्मीर ही नहीं बिल्कुल, देश के हर देशभक्त, मैं देशभक्त सबका, के दिल पर बहुत गहरा आघात इनके इस घटिया और निंदनीय बयान से लगा, और उससे बड़ा आघात शायद विपक्ष की वजह से भी लगा। रवि भट्ट जी ने बहुत स्थिति स्पष्ट की जी। और मैं सहमत हूँ कि वो कोई भी राजनयिक नहीं है जी। वो कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं है, ही इज टोटली ए बिजनेसमैन। और जो बिजनेसमैन होता उसके अंदर दया शर्म ये सब कुछ नहीं रहती, हया रहती जी। तो डोनाल्ड ट्रंप की जहां तक बात है वो बिल्कुल हया में हो गए हैं, जिस तरह से हमारे मित्र ने बताया कि कल किस तरह पाकिस्तानी राष्ट्रपति को अपमानित किया, और आज अपनी मार्केटिंग बनाने के लिए कल ही किस तरह का एक झूठा और असत्य बयान देते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा अपने विपक्षी दलों से, ये वो देश है जहाँ जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक दिन हफ्ते में अन्न मत खाओ, इस देश की जनता ने स्वीकार किया और एक दिन अन्न नहीं खाया। और जब चाहे चीन का हमला रहा हो या पाकिस्तान से हमारा युद्ध रहा हो, हम लोग एक सूत्र में बंधे रहे बिल्कुल, इस देश की जनता एक साथ खड़ी रही। और आज
कुछ विपक्षी दल केवल और केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए हार गए हैं राजनीति में, तो वो इस तरह की चीजों को, और वो भी निंदनीय चीज, जो कश्मीर हमारा है, जो हिंदुस्तान का ताज है जी, कश्मीर भारत की करधनी है जी, उस करधनी को लेकर के आप इस तरह की बातें करें, संसद में करें, देश की सर्वोच्च संस्था के अंदर बैठ के करें, बहुत ही निंदनीय। दीपक आचार्य जी क्या कहेंगे जब सदन में विपक्ष हू हल्ला काट रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आए और इस बात का जवाब दे, इन सवालों का जवाब दे जो हम पूछ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जो पाकिस्तान है अगर उस चीज को देख रहा होगा तो कहीं ना कहीं मजाक उड़ा रहा होगा कि देखो इनको अपने देश के इसमें भी ये अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। बिल्कुल, मैं मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष से बहुत, कांग्रेस से तो खास तौर पे बहुत आघात हूँ इस बात पे कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती है हमारे देश की, थी जी। आज तो खैर नहीं है, लेकिन उनके पास असली मुद्दे हैं ही नहीं जिन पे वो बात कर सके। वो ऐसे मुद्दों पे क्यों बात करते हैं, कभी कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पे वो खुद क्यों नहीं बात करते हैं? आज तक कांग्रेस क्यों नहीं कोई बयान देता है, क्यों नहीं उसका नेता कभी आवाज उठाता है, आज तक नहीं उठाया और आज भी नहीं उठा रहा, जबकि आज क्यों नहीं बोलता वो कभी भी कश्मीरी पंडितों के लिए, जबकि गांधी फैमिली कश्मीरी पंडित फैमिली थी जी, नेहरू जी कश्मीरी पंडित थे जी। तो वो उस फैमिली, उस बैकग्राउंड के होते हुए भी, कश्मीर के होते हुए भी, उस ट्रेडिशन को मानने के बावजूद आज तक वो लोग कश्मीरी पंडितों के साथ क्यों नहीं कभी खड़े हुए जी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जहाँ तक सवाल है इस ट्रंप वाले बयान का, ये मेरे ख्याल से बहुत कुछ बोले बगैर भी हर हिंदुस्तानी समझता है कि ये बयान प्रधानमंत्री का नहीं होगा और उनको मेरे हिसाब से कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है जी। कोई क्लैरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और ये सब बात सिद्ध है। अपनी गंदी राजनीति के तहत कांग्रेस जो ये कर रहा है, ये बहुत ही गंदा और ओछा हरकत है। बिल्कुल, साधना जग्गी जी, एयर स्ट्राइक के दौरान भी आपने विपक्ष को सुना था साफ तौर पर, हमें सबूत चाहिए। ये उस देश ने नहीं बोला जिस देश में एयर स्ट्राइक की गई, जिनके लोग मरे, जिनका नुकसान हुआ, उन्होंने सबूत नहीं मांगे। लेकिन हमारे देश के राजनेता सदन में बैठकर टेबल को थपथपा कर बोल रहे थे कि हमें सबूत चाहिए कि कितने लोग मरे, आप किस प्रकार से आंकड़े कह रहे हैं। और उसके बाद आज जब सदन में फिर हो हल्ला करता है, फिर ये बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को सदन में बुलाइए और उनसे कहिए कि इन सवालों के जवाब दे कि क्या उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात कही है। तो आपको क्या लगता है, ये कहीं ना कहीं जो छवि खराब कर रहे हैं ये भारत की, लोग ये सोच रहे हैं कि जो भारत है वो अपने आप में ही लड़ रहा है, बाहर क्या लड़ेगा? देखिए, छवि तो इतनी अधिक हमारी अच्छी हो चुकी है पीएम मोदी जी के आने के बाद कि इनको जो बोलना है बोलते रहिए। मैं विपक्ष से एक बात पूछना चाहूंगी, जितने ये लोग बैठ के वहां ताली पीटते हैं और अपनी टेबल दबदबाते हैं, इनके परिवार से कितने लोग सीआरपीएफ में हैं, कितने लोग सेना में हैं, कितने लोग एयरफोर्स में और कितने लोग बॉर्डर पे हैं या बीएसएफ में हैं हमारे, इनके परिवार से ये अपने बेटों को क्यों नहीं भेजते? अपने ये कंपलसरी होना चाहिए कि हर परिवार से, हर नेता के परिवार से एक बच्चा वहां जाके रहे और तब उनको पता चले क्या सीआरपीएफ का। इन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि ये हमला झूठा, जिसके माँ, जिस माँ का लाल चला गया हो, जिस बहन का भाई चला गया हो, जिस बहन का सिंदूर उजड़ गया, उनकी कंडीशन सोचिए। ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं वहां बैठ के, बहुत निम्न स्तरीय राजनीति ये लोग कर रहे हैं। इस पे एयर स्ट्राइक क्या झूठी थी वो अभी बता चुके हैं। मिग का जो था, उस समय भी ट्रंप ने विरोध किया था कि मिग जो है हमारा नष्ट नहीं हुआ, परंतु सबको पता वो नष्ट हुआ। और हमारे जो पीएम है और हमारे सारी जो हमारी सरकार है इस समय, उनका एक ही है कि हमें कश्मीर के हालात सही करने हैं, जो हमारा कितने सालों से लाखों कुर्बानियां हम लोगों ने दे दी। और अभी तक विपक्ष इतनी हल्की राजनीति कर रहा, परंतु पूरे जिस तरीके से विपक्ष को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है और जिस तरीके से पीएम आए हैं हमारे पीएम मोदी जी के नाम पर, क्यों सपने देखा है, सीआरपीएफ वालों का अटैक भी देखा है, सर्जिकल स्ट्राइक भी देखी है, प्लस इनको कुछ हेल्दी राजनीति करनी चाहिए, कुछ असली मुद्दे लेके आए, ऐसे समय व्यर्थ करने से अपनी जरूरत है। राष्ट्र की अगर बात आती है, राष्ट्र की एकता की अगर बात आती है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि पूरे देश की एक एक व्यक्ति को साथ खड़े होना चाहिए। जब बात प्रधानमंत्री मोदी की आती है तो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि देश के हर एक नागरिक के वो प्रधानमंत्री है, उनके सम्मान को अगर ठेस लगेगी तो कहीं ना कहीं भारत के सम्मान को ठेस लगेगी। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी लेकिन वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कई अहम ऐसे पहलू हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम जानेंगे, उनके बयान के अर्थ समझेंगे और राजनीतिक जो इसको रूप देने का प्रयास किया गया उसका मतलब भी समझेंगे। यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।